हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं बीकॉम ऑनर्स के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है एमसीक्यू मोड में, उसके सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते और चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिवील्स सरप्लस ऑफ डेफिशिएंसी। देखिए, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पूरे इन पर श्योरिटी मत रखिएगा। बस ये इसलिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप कुछ गलत की जगह कुछ सही करके आओ और आप पास हो सको। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर आने की फिराक में बैठे रहते हैं, तो वो उन सब के लिए क्रॉस चेक कर लेना एक बार, फिर ये आंसर टिक लगाना, और जैसे कम हो तो फिर आप सारे लगा सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं अगले पे। सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज़ नोन एज द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। समझ गए। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कन्वर्जन कॉस्ट। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैज थ्री लेवल्स। डैश एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन एक्वायरिंग एन एसेट व्हाइल डैश एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस कैपिटल और रिवेन्यू। डैश रिसीव्ड आर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज। दो में डाउट था, कैपिटल और नन ऑफ द अबव, तो अपने हिसाब से क्रॉस चेक करके लगा दीजिएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन शीट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस शीट। एट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव्ड लायबिलिटी। 12, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स सरप्लस और डेफिशिएंसी। डैश एक्सपेंडिचर प्रोवाइड पार्ट ऑफ बेनिफिट ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड इटसेल्फ एंड रिमेनिंग बेनिफिट्स इन द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डैश रिक्वायर्स अ फिजिकल काउंट ऑफ द ऑल इन्वेंट्री आइटम्स एंड एट स्पेसिफिक टाइम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अ शॉर्ट टर्म लीज विच इज ऑफन कैंसिलेबल इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इज मोस्ट लाइकली टू यूज अ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम। लार्ज कंपनी विथ मैनी सेगमेंट्स एंड डिविजन्स। टू क्रिएट सेल वाउचर इन टैली यू हैव टू प्रेस नन ऑफ द अबव। AS 99 IS 116 एप्लीकेबल फॉर लीज अकाउंटिंग। देखिए, आप धड़ाधड़ देख लीजिए, बोलने बैठे तो टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगी। CDAB 25 का आंसर नहीं मिला। 30, गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू डिपेंडेंट ब्रांच आर एट इनवॉइस प्राइस। अ प्रॉफिट एंड लॉस शीट इज प्रिपेयर्ड इन सक्सेसफुल टू द ट्रेडिंग अकाउंट। विच इज वॉट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। असर्टेनिंग कॉस्ट। What are the features of computerized accounting software? All of the above. Which of the following is not an underlying assumption of financial accounting structure? Monetary unit assumption. एक बार सारे देख लीजिए, नीचे रिएक्ट कर रखा है दोबारा। वीडियो की स्पीड धीरे करके देख लीजिएगा। वीडियो को स्पीड धीरे करके आप देख लीजिएगा। थर्टी टू फोर्थ आंसर, 33 फर्स्ट, 34 थर्ड, 35 क्वेश्चन हो गए। चलिए,
बस एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, पूरे इनके भरोसे मत रहिएगा, बस यही है, आपको जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करा दिए। वीडियो को लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो, जो हो जाएगा।